अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रेस्ट फीडिंग। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न की, केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न में हमने क्या क्या करना है, किस तरह से केयर करनी होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। वो भी एक केयर होती है लेकिन वो रिलेटेड टू द फीडिंग होती है। आपने किस तरह से जो है ना, मतलब बेबी की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको उसके लिए मदर को तैयार करना किस तरह से होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या चीज़ होती है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। तो आज का असल में जो हमारा टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी होगा, फिर उसके बाद एडवांटेजेस की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो भी इससे रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली उसको भी देख ली, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम ये कौन सा चैप्टर देख रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीड। सो इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो ये क्या बता रहा है कि इट इज़ एन अनइक्वल्ड वे ऑफ प्रोवाइडिंग आइडियल फूड फॉर द हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। मतलब हमारे पास जो इन्फेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उसके लिए जब हम फूड प्रोवाइड करते हैं इन आइडियल फूड, आइडियल फूड का क्या मतलब होता है कि वो हर ग़िज़ा से भरा हुआ होता है। और ये फूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हेल्थ की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे पास इन्फेंट है, चाइल्ड है, उसकी ग्रोथ के लिए ये फूड इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो तो बाहर से ख़ुराक नहीं ले पा रहा होता, ना वो कुछ खा सकता है, तो उसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये वही बात हो रही है कि मतलब एक आइडियल फूड इन्फेंट या चाइल्ड को प्रोवाइड करने के लिए जब हम उसको एक आइडियल फूड देते हैं वो किस फॉर्म में होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के फॉर्म में होती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि द एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हेल्प टू प्रोटेक्ट इन्फेंट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड द चाइल्ड स्पेसिंग। क्या मतलब हुआ, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कवर की गई है। एक बात यहाँ पे बताया गया है कि एंटी इन्फेक्टिव का क्या मतलब है। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है जिसमें जो मिल्क होता है ना, ब्रेस्ट मिल्क, तो वो इन्फेक्शन से पाक होता है। मतलब उसकी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। क्लियर है। तो जब उसके इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है, तो मतलब जब इन्फेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो वो बहुत सारे डिजीजेस से बच रहा होता है, क्योंकि वो जो मिल्क मदर जो मिल्क उसको प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल साफ़ होती है। क्लियर हो गई बात। अब एक बात तो यहाँ पे हो गई इन्फेक्शन की, कि मतलब ये कह रहा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होती है उसमें ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि वो एंटी इन्फेक्टिव है, तो मतलब कोई बीमारी वगैरह इन्फेंट को नहीं लगती। और इसके बाद देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड द चाइल्ड स्पेसिंग। चाइल्ड स्पेसिंग का क्या मतलब है, मतलब जो एक बच्चे की पैदाइश होती है उससे लेकर दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरानिया, मतलब उसके दरमियान जितना टाइम गुजरा है, इसको हम चाइल्ड स्पेसिंग कहते हैं। चाइल्ड स्पेसिंग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि मतलब आपका जो पहला बेबी है ना, ठीक है, तो जब तक इसकी ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप जो है ना दूसरे बेबी को प्लेन ना करें। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे दूसरी बेबी को प्लेन करेंगे तो उससे जो ब्रेस्ट फीडिंग जो पहले वाले बच्चे को हो रही है वो डिस्टर्ब होगी, और ये वाली ब्रेस्ट फीडिंग ऑलमोस्ट जो है ना 2 ईयर्स तक होती है। क्लियर हो गई बात। तो मतलब ये है कि चाइल्ड स्पेसिंग में भी ये हेल्प करा रही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी मेरा जो पहला वाला बच्चा है उसको जो है ना मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो उसको अगर मैं दूसरे बच्चे को प्लेन करूँगी तो क्या होगा, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ख़राब होगी, तो इससे जो बच्ची की नशोनुमा होती है वो ख़राब हो जाती है, जो ग्रोथ देती है या डिवेलपमेंट होती है वो ख़राब हो सकती है। तो मतलब दो मेन प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फेक्टिव एंड अ चाइल्ड स्पेसिंग। क्लियर हो गई बात। अच्छा, द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग आर सो ग्रेट एंड द एक्ट इटसेल्फ इज सो नेचुरल एंड वेल एक्सेप्टेड दैट वन माइट एक्सेप्ट ऑल मदर्स टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज। क्या मतलब हुआ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, हमें अल्लाह ताला ने मतलब ये एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक
है। और ये एक नेमत है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उस पे अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब ये भी एक नेमत है ना कि मतलब आपको अगर पता हो तो बहुत सारे जो चाइल्ड मतलब डायरिया नहीं है डायरिया, इट इज़ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द चाइल्ड। और ये क्या, ये डायरिया क्यों होती है, ये खुराक की वजह से होती है। मतलब आप ऐसे खुराक ले लेते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस हो, आपको डायरिया हो जाएगा और उससे डेथ वाकई हो जाती है। और ये डेथ क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है ना जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन एंड मॉल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चा चला जाता है, तो उसकी वजह से डेथ वाकया हो सकती है। तो मतलब जो बेस्ट फीडिंग है ना उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस भी है और वेल एक्सेप्टेड है। मतलब इसमें कोई वो भी नहीं है, हर मदर जो है ना वो इजीली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो मतलब इट इज़ एन इंट्रोडक्शन के ब्रेस्ट फीडिंग है क्या चीज़, क्लियर हो गई बात। तो मतलब ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, इसकी इंट्रोडक्शन हो गई कि इस तरह से जो है ना मतलब एक हेल्दी ग्रोथ हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जो फीड प्रोवाइड करनी होती है इन्फेंट को बाय दी मदर थ्रू देयर बेस्ट ब्रेस्ट, सो इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीड। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एडवांटेजेस की, कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं। अच्छा तो अगर हम यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला वाला क्या है, इट इज़ द बेस्ट फूड फॉर द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ये तो क्लियर बात है कि जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होती है मतलब बॉडी डेवलपमेंट, जो बॉडी ग्रोथ है फिजिकली, जो फिजिकल ग्रोथ है मतलब उसकी नशोनुमा हो रही है, और दूसरी है मेंटल हेल्थ। सही, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की डेवलपमेंट और फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट के लिए ये फूड बेस्ट होती है, क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे आगे समझा दूंगा कि ये फिजिकली किस तरह से अच्छा है और मेंटली अच्छा। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डायरिया, कफ, कोल्ड्स, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन एंड सडन इन्फेंट डेथ्स। वही बात आ गई ना कि ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह ख़राब होगी, अगर आप बीमार हो गए, डायरिया हो गई, कोई कफ हो गया, कोई कूलनेस आ गई, कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आ गई, तो इससे आपकी फिजिकल एंड डेवलपमेंट ख़राब हो सकती है ना। तो अगर आप बेस्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो ये सारी डिजीजेज नहीं होती, ये सारी डिजीजेज ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो साफ होती है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन, इन्फेंट क्यों जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, इसलिए कि इसकी जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत, वो हमारे पास क्या है, वो कमज़ोर होती है, वो डिवेलपमेंट स्टेज में होती है, डिवेलपमेंटल स्टेज में होती है। सही है, तो जब डेवलपमेंटल स्टेज में वो होती है तो उसकी जो है ना इतनी पावर नहीं होती कि वो उस इन्फेक्शन के साथ जो है ना फाइट कर सके, तो फिर वो इस तरह की बीमारियों में वो जो है ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उसको हो सकती है। तो उस बीमारियों को अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इट इज़ द बेस्ट फूड, क्या चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा फिर इसके बाद इट डिवेलप्स क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। अब यहाँ पे ये तो क्लियर बात हो गई, आपने अगर बेबी को देखा होगा जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं, अगर मैं एक फादर की बात करूँ, अगर वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और उसको कुछ खिला रहा है, तो उसके साथ वो क्या हो जाता है, एक बॉन्ड जो है ना वो डिवेलप। अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो हम क्या बात कर रहे थे, बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो मतलब जब भी ब्रेस्ट फीडिंग वो प्रोवाइड कर रही होती है तो मदर एंड चाइल्ड के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा होता है, एक रिलेशनशिप बॉन्ड, जो मदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, बेबी विल नॉट गेट ए सोर बॉटम, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन एंड टू फैट। मतलब क्या है कि कोई ऐसी बीमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो वो नहीं होगी, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, डायरिया, फैट, टू मच फैट हो गई, क्योंकि ये जो फीड होती है ना, ये वाली फीड ये आइडियल होती है, इसमें अल्लाह ताला ने सारा कुछ ऐसे एक मकदार में डाला हुआ होता है कि ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है, बिल्कुल आइडियल। तो एक आइडियल खुराक जब आप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सारे ये जो बीमारियां वगैरह होती हैं वो नहीं होती। मतलब आपने अगर देखा होगा ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त खुराक करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन आ जाती है,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी फूड को रेगुलरली फॉलो करें तो उसी में बीमारियाँ, मतलब अगर मिसाल के तौर पर वेजिटेरियन है, एक बंदा वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन का क्या होगा, वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा इसमें मसला ये आ जाता है कि जो प्रोटीन वगैरह की कमी उसकी बॉडी में आ जाती है। क्लियर हो गई बात? तो मतलब ये वाला जो फूड है ना, ये हमारे पास आइडियल फूड है। तो जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वो बच्चे को नहीं होती। अच्छा, इट हेल्प्स इन द बेटर डिवेलपमेंट ऑफ द जॉज, स्पीच एंड द टीथ। अब ये सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जब भी एक चाइल्ड कम्युनिकेट करता है, मिसाल के तौर पर उसको भूख लग रही है, तो वो आप देख ले, वो तो बात नहीं कर सकता ना, तो मतलब वो क्या कर लेता है, वो जो है ना क्राई, जिसको हम क्राई कहते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि मतलब उसको फूड की ज़रूरत होती है। सही है। अब इसके अलावा जो मतलब स्पीच, जो जो स्पीच सेंटर है, स्पीच सेंटर, वो भी इसके साथ ही रिलेटेड होता है, मतलब ब्रेन। सो इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। जो हमारे पास मेंटल हेल्थ है ना, वो ये इससे भी रिलेटेड है कि जब भी उसकी स्पीच डेवलप होगी तो मतलब मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है ना। इसके अलावा जो जॉस मसूड़े और जितनी भी टीथ वगैरह की डेवलपमेंट होती है वो भी इसके साथ अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप बॉटल फीड दे रहे हैं, मतलब जो बॉटल के ज़रिए आप लोग फीड दोगे, तो वो जो है ना मोस्ट ऑफ दी उसमें जो है ना प्लास्टिक यूज़ होता है। सही है, प्लास्टिक। तो जितनी भी जॉस डेवलपमेंट है और फीड डेवलपमेंट है वो उसमें इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ब्रेस्ट फीडिंग में होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है जो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स फैट ऑफ राइट काइंड नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द बेबीज ब्रेन। वही बात हो गई कि मतलब जो फैट, जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है फॉर द बेबी, आइडियल न्यूट्रिशन, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड द बेबीज ब्रेन। जो बेबीज ब्रेन के लिए फैट की मात्रा रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है इन द राइट काइंड। सही है। राइट काइंड का क्या मतलब हुआ कि ऐसी मेदार में कि वो ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। अच्छा, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे हो गए किस चीज़ के लिए, जो इन्फेंट होता है उसके लिए, कि मतलब हमने डिस्कस किया कि एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर दी बेबीज़, बेबीज़ को क्या फ़ायदा होगा। सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फॉर दी मदर, ये मतलब मदर के लिए जो है ना उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास पहला वाला जो है ना वो क्या है, पहला वाला हमारे पास है ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स गेट मदर वेट एंड वॉर्म बैक टू द नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी। मतलब ये सिंपल सी बात है कि जब वो दूसरे बच्चे को खिलाएगी तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ना वो क्या होगा, उसकी जो मदर की वेट है और जो वॉर्म है, सही है, मतलब बैक टू द नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी। अगर कोई वज़न वगैरह ज़्यादा हो गया, फैट की जो है ना मकदार ज़्यादा हो गई है, या कोई वज़न ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट होता है, तो वो उस वज़न के लिए कम करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। क्लियर। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन टू द मदर। अब इसमें सेटिस्फैक्शन और प्राइड की बात आ जाती है, तो मतलब ये है मेंटल सेटिस्फैक्शन। मदर जो है ना वो सेटिस्फाई होती है कि जो मेरा बेबी है वो क्या है, उसको ऐसी फूड मिल रही है कि उसमें कोई बीमारी की खतरात नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से मदर को हो जाती है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर बजट एज इट डज नॉट कॉस्ट मनी। अब तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि मतलब ये ना तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जब आप जो भी कहेंगे उससे वो ब्रेस्ट फीड, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी जो बजट होती है उस पर कोई बर्डन वगैरह नहीं आता, क्योंकि ये कोई इस पर कोई पैसे वगैरह खर्च नहीं होते। तो ये कुछ फ़ायदे हो सकते हैं मदर को। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स अ मदर कैन फीड हर बेबी एनी टाइम एनी वेयर एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन। के मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसमें कोई ना तो टाइम की जो है वो होती है, ना कोई एरिया की, ना कोई जो है ना एनी प्रिपरेशन की। तो ये
ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपका जो बेबी है वो उसके लिए फीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए फीड की रिक्वायरमेंट है, तो एनी टाइम एनी वेयर एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसके लिए कोई मतलब प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब आपने कोई जो है ना उसको गर्म करना होता है या इसके अलावा कोई मतलब इसमें कुछ केमिकल्स डालने होते हैं, तो ना कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, एनी टाइम जो है ना वो रेडी होती है और मतलब वो अपने मदर को, जो मदर होती है वो अपनी बेबी को फीड कर सकती है एनी टाइम एंड एनी वे। अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छा इसमें एक और बात, एनी टाइम और एनी वेयर का मतलब ये है कि जो इन्फेंट चाइल्ड होता है ना उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा, उसकी जो फीड टाइमिंग होती है, फीड टाइमिंग वो इंटरवल्स में होती है। इंटरवल्स का क्या मतलब है कि मतलब 1 घंटे पहले उसने खुराक कर लिया है तो 1 घंटे बाद वो दोबारा जो है ना क्या करेगा, खुराक कर सकता है, मतलब वो उसको भूख लग सकती है, तो इंटरवल्स में उसकी टाइमिंग होती है। तो मतलब जो मिल्क होता है उसको जो है ना एनी टाइम एनी वेयर जो है ना वो प्रिपेयर होना चाहिए ताकि अगर उसको भूख लग रही है तो वो मदर उसको फीड कर सके। अच्छा इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज, अच्छा सॉरी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर डिवेलप लविंग रिलेशनशिप विद हर बेबी, ये वही बात हो गई कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एक लविंग रिलेशनशिप विद हर बेबी बनता है, उसके साथ जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, एक वैल्यू जो है ना वो डिवेलप हो जाती है बिटवीन द मदर एंड बिटवीन द चाइल्ड। अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज प्रेगनेंसी इफ़ द बेबी इज़ फिड एवरी 2 to 3 आवर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब ये बात असल में है, बहुत सारे रिसर्चेस ये कहते हैं कि मतलब जो अगर मिसाल के तौर पर कोई आप जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं और इसके दौरान आप जो है ना अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो दूसरी प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी, सही है, अगर आप 2 to 3 आवर्स जो है ना मॉर्निंग एंड इवनिंग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो है ना बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि ये वाली बात जो है ना ये ठीक भी नहीं है, मतलब इसमें कोई जो है ना ऐसी वो नहीं है, दूसरी दफ़ा भी प्रेगनेंसी हो सकती है अगर कोई जो है ना कंसीव करना चाह रहा है, सही है, या कंसीव हो सकती है, तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे ये एडवांटेजेस में लिखा हुआ है तो ये भी आपने एडवांटेजेस में लिखना ही होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास 2 एडवांटेजेस हो गए, एक एडवांटेजेस टू दी बेबीज, दूसरा है हमारे पास एडवांटेजेस टू दी मदर। अच्छा इसके अलावा अब आ जाते हैं प्रिपरेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है प्रेगनेंसी के दौरान, आपने उस मदर को किस तरह से तैयार करना है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द निपल मे बी मसाज 3 to 4 times डेली ड्यूरिंग द लास्ट 2 months ऑफ द प्रेगनेंसी। जो मिसाल के तौर पर आप एक प्रेगनेंसी है तो उसकी जो लास्ट 2 months होते हैं ना उसमें आपने निपल्स की मसाज करनी होती है 3 to 4 times डेली, सही हो गई बात। एक तो ये हमारे पास ये काम करना है आपने, दूसरी ओलिविया ऑयल और एनी अदर ऑयल कैन सर्व द पर्पज़। अब इस पर्पज़ के लिए जो मसाज 3 to 4 times होती है उसकी पर्पज़ के लिए आपने कौन सा ऑयल जो है ना मतलब या तो ओलिविया ऑयल या एनी अदर ऑयल यू कैन यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़। अच्छा वॉश और स्पॉन्ज द ब्रेस्ट आर निपल्स टू प्रिवेंट क्रस्ट एंड फॉर्मेशन। क्रस्ट फॉर्मेशन क्या होती है कि मतलब इसमें इस तरह की जो है ना क्रस्ट बन जाती है, क्रस्ट, तो इस क्रस्ट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, उसको वॉश करना है या उसको स्पॉन्ज करना है ताकि उसमें कोई जो है ना क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो और वो जेंटल बन जाए। अच्छा प्रॉपर सपोर्ट बाय ए वेल फिटेड ब्रेसेस हेल्प्स द मदर टू मेंटेन हर फिगर। मतलब क्या है कि आपने जो है ना इस तरह की जो है ना जो अंडर गारमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास वेल फिटेड ब्रेजर्स होते हैं उसको यूज़ करना होता है ताकि आपकी जो फिगर होती है, आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसकी जो शेप एंड साइज है वो ख़राब ना हो, उसमें कोई क्रस्ट फॉर्मेशन ना हो, उसकी जो निपल्स होते हैं वो जो है ना ख़राब ना हो, क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर द बेबी क्योंकि जब फिर आप बेबी को फीड कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, क्लियर। तो ये प्रिपरेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये वाली बात हमने एंटीनेटल केयर में भी की थी, एंटीनेटल केयर में भी की थी और फिर उसके बाद पोस्टनेटल केयर में भी हमने ये बात डिस्कस की हुई थी, क्लियर है, कि एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट हमने बार बार ये बात की हुई थी, सही है। तो ये क्यों, क्योंकि इसका जो फ़ायदा होता है वो है बेबी को, क्लियर।
अच्छा, ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेस्ट केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन, कि जब आप उसको लैक्टेट कर रहे हैं, जब मतलब आप एक बेबी को फीड कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपने ब्रेस्ट केयर किस तरह से करनी होगी। क्योंकि मिसाल, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप एक बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, और आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो या तो मतलब आप उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, या कोई मतलब सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो मतलब आप डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द बेबीज माउथ होती है, जो आप जो बेबी का माउथ होता है उसके साथ जो है ना वो डायरेक्ट इन कांटेक्ट होती है, तो इसकी बहुत सारे मसाइल हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना पढ़ेंगे, और अभी तक जो है ना प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ पे अब ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।